ओडिशारे प्रथम पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस रो चलाचल शुभारंभ होई। वर्चुअल मोड रे एही अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन को पताका देखाई शुभारंभ करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वर्चुअल मोड रे जोग देतिबा बेले पुरी रेल स्टेशन थारे आयोजित कार्यक्रम रे राज्यपाल गणेशी लाल, केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, आईटीडीसी अध्यक्ष संबित पात्रों समेत पूरी विधायक और सांसद उपस्थित थिले। एही ट्रेन चलाचल शुभारंभ को स्वागत करी ओडिशार 57 स्थान रे स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित होइथला। एही क्रम रे बालेश्वर ठारे आयोजित कार्यक्रम रे सांसद प्रताप चंद्र षडंगी, नीलगिरी विधायक सुकांत कुमार नायक, बालेश्वर पौराध्यक्ष सबिता साहू, महानिरीक्षक तथा दक्षिण पूर्व रेलपथर मुख्य सुरक्षा आयुक्त डीबी कसर, खड़गपुर रेल डिविजन रो उपमहाप्रबंधक एमएस हासमी, उपव्यवसायिक प्रबंधक राजेश कुमार प्रमुख जोगदे वंदे भारत ट्रेन को स्वागत करते। वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा रे प्राय 8,000 कोटी टंकारु अधिक विभिन्न रेल प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करिथिबा सांसद श्री षडंगी सूचना दैथिले। एहा सहित पुरी और कटक रेल स्टेशन रो पुनर्विकास कार्य शिलान्यास सह ओडिशा रे रेल नेटवर्क रो 100% विद्युतकरण को लोकार्पण करा जाइछि बोली से कहिथिले। वंदे भारत एक्सप्रेस चलिले ओडिशार पर्यटन क्षेत्र पाई नूतन सुजोग सृष्टि हेबो। वंदे भारत एक्सप्रेस रे यात्री मानको पाई समस्त प्रकार अत्याधुनिक सुविधा रहिछि, जहाद्वारा यात्रा आरामदायक हेबा सह कम समय मध्यरे यात्री माने गंतव्य स्थल रे पहुंचि परिबे बोली श्री षडंगी प्रकाश करिथिले। माननीय प्रधानमंत्री देशर सबु विभाग रो विकास को त्वरान्वित करिया पई लागिछन्ति। रेल यात्रा द्वारा देश में पर्यटन व्यापार वाणिज्य निजुक्ति क्षेत्र में व्यापक विकास हो पारे, तेणु माननीय प्रधानमंत्री ए दिगरे सतत उद्यम कर दीर्घ गवेषणा कारण केवल भारत इंजीनियर मान भारत वैज्ञानिक कौशल स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्माण होता ट्रेन कारण आमर खर्च भी अनेक कमी जाए गोटे आत्मविश्वास निर्माण हो आम भी विश्वर सब प्रकार टेक्नोलोजी को मात कला भाया आम पाखे सामर्थ्य अच्छे। जदि या विदेश टेक्नोलोजी आनी कराई गोटे ट्रेन में 200 कोटी टाँग खर्च होता ये अधा दाम 100 कोटी टकर जहाँ देखिकी आज जापान आमेरिका भी चमत्कृत हो टेक्नोलोजी तुम्हारे अधिक अच्छे। वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर स्पीड्रे जावाई व्यवस्था कराऊ आउ 4-5 मास भितर ये ट्राक उन्नति कर 6.5 घंटा टाक 5.5 घंटे परिणत हो पुरी रू कलिकता यहपरी गोटे द्रुतगामी आरामदायक ट्रेन जो थे सब प्रकार फायर इंस्ट्रूमेंट अच्छी अन्न सब अच्छी विभिन्न प्रकार अलार्मिंग मेकानिजम अच्छी जे यात्री मानक आराम दे पार और द्रुतगामी ए लोक मानक अनेक श्वास हेबं आमर व्यापार वाणिज्य बढ़ आर्थिक उन्नति हेब ओडार कायाकल्प हेब एवं ये प्रथम वंदे भारत ट्रेन साउथ रेलवे चलला आज तार शुभारंभ हो तेणु सारा ओडा आनंद उद्वेलित अच्छी। या सहित अन्न्य प्रकल्प आज प्रधानमंत्री शुभ उद्घाटन करछन्ति जो थे प्राय 8,000 कोटी टंकार आमको अनुदान मिली आवश्यकतार अधिक टंका मिलू उचित समय मिलू त्वरित गति क्रियानुष्ठान देखु। प्रथम कथा हूँ जो स्तर में भड़ा अच्छी से स्तर में जो मैंने जावा कथा जी साधारण लोक भी अन्य ट्रेन अच्छी साधारण लोक भी आजिकल फ्लाइट में जावास कर फ्लाइट ठार तो ये कम अच्छी सुतरा कहीं जब जदि काम जरूरी अच्छी तेल लोक भी जापरेंगे कितु बहुत गरीब श्रेणी लोक ए नजपारे मेमो ट्रेन अच्छी बालेश्वर को 3टा नुआ ट्रेन चलला जलेश्वर पुरी चलला बालेश्वर पुरी चलला पुणी ये गोटे चलला तेणु बालेश्वर को 3टा नुआ ट्रेन चलला केवेपर ट्रेन अधिक चल ना पुणी गोटे ट्रेन चलो गोपीनाथपुर को नीलगिरी को पुरी रु ट्रेन दिन 1:50 छाड़ और से ही दिन संध्या 8:30 हावड़े पहुँचव। से ही सका 6:10 हावड़ा स्टेशन रु बाहरी दिन 12:35 पुरी में पहुँचव। पुरी रु ट्रेन छाड़िले खोर्धा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर रोड, भद्रक, बालेश्वर, खड़गपुर प्रभृति स्टेशन पुरी को गला बेले बालेश्वर स्टेशन रे वंदे भारत सका 9:03 पहुंची 9:05 छाड़िबो और पुरी रु हावड़ा को गला बेले संध्या 5:13 पहुंची 5:15 छाड़िबो बोली जाना पड़ी। चेन्नई पेरामबूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रे स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित यह वंदे भारत एक्सप्रेस रे 16 कोच रही यह घंटा प्रति 180 किलोमीटर बेगर चलो फल हावड़ पुरी यात्रा समय 2 घंटा कमिजी यात्री सुरक्षा दृष्टि एगी ऑटोमेटेड क्लोजिंग डोर्स ट्रेन चलुवा अवस्था डोर खोलना कि डोर बंद नाए ट्रेन चलो ना
ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଚରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱିଣ୍ଡୋ ଓ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। देखिए वंदे भारत पुरी और हावड़ा के बीच में सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 160 km/h तक चल सकती है, लेकिन अभी 130 पे चलेगी और धीरे धीरे हम उसको अपग्रेड करेंगे। जैसा माननीय सांसद जी ने बताया कि अभी 6:20 के आसपास लग रहा है, लेकिन हमारा प्लान रहेगा इसको और हम स्पीड करें और 5.5 के आसपास इसको लाएंगे जब इसको फर्दर अपग्रेड किया जाएगा। इसकी स्पीड पिकअप जो है दूसरी लग्जरी ट्रेन से बिल्कुल डिफरेंट है। 51 सेकेंड में ये फुल स्पीड मिल जाती है, जैसे कि बाकी जो ट्रेन है वो 5 मिनट लगता है, उसको इसको 51 सेकेंड में 130 km/h मिल जाएगा। और जो चीज़ 7 किलोमीटर में फुल स्पीड आती है नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन में, ये 1 किलोमीटर में फुल स्पीड मिल जाएगी। पुरी से हावड़ा देखिए 4 और 2 6 स्टॉपेजेस। लक्ष्मी साड़ी कलेक्शन बालेश्वर शहर एक्सक्लूसिव साड़ी होलसेल काउंटर। लक्ष्मी साड़ी लेटेस्ट फैंसी साड़ी कलेक्शन, स्पेशल वेडिंग कलेक्शन, लहंगा चोली कलेक्शन इत्यादि अत्यंत मनोरोभा। आज ही आसंतु लक्ष्मी साड़ी कलेक्शन, मोतीगंज बाजार, SBI ATM सामना, बालेश्वर। पाइप किणवा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानी रो प्रखर जेति तीव्र हो अबा पानी रो शिखर जेते उच्च हो, एमके ब्लास्ट कंपनी रे निर्मित MKP ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी PVC एंड HDPE पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किणवा पई जोगाजोग करंतु। एमके ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किंबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।